ये स्कूल बनाने वाले तो हिंदू जो खत्री थे, बच्चों की रिहाइश के लिए जो बोर्डिंग हाउस था उसमें बच्चे रहते भी थे। ये पुरानी इमारत है काफ़ी, और ये इसकी दीवारें जो है ये 18 इंच मोटी हैं। और सबसे बड़ी बात जो उनकी मेहनत का मुंह बोलता सबूत है, कोई एक ईंट भी सीमेंट से नहीं लगाई गई। अच्छा, सारी की सारी ईंटें जो हैं ये गारे से ही लगी हुई हैं, और इतनी देर होने के बावजूद भी कोई ईंट भी अभी तक उखड़ी नहीं है, कोई दीवार गिरी नहीं है। जिस तरह इमारत कायम दायम है, इसी तरह इसके रोशनदान जो हैं वो भी इस तरह के बनाए गए हैं कि उससे रोशनी तो आती ही आती है, लेकिन हवा भी इस तरह से गुजरती है कि गर्मियों में भी ठंडक का एहसास होता है कि इस तरह बेहतरीन तर्ज तमीर पे इसे तमीर किया गया है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व सामईन, मेज़बान मोईज़ सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं सियालकोट प्लस। नाज़रीन गिराम, मैं इस वक्त सियालकोट की तहसील पसूर के एक गांव चोहर मुंडा में मौजूद हूं, और यहां पर आज हम आपको एक ऐसा स्कूल दिखाने जा रहे हैं जो कि 1927 में तमीर किया गया था। ये स्कूल हिंदुओं की खत्रियों की जो एलीट क्लास कम्यूनिटी थी ये उसका स्कूल था, और बाकायदा तौर पर ये एक बोर्डिंग स्कूल था जो कि 1927 में पार्टीशन से पहले बनाया गया था, जिसका तकरीबन कुल रकबा 4 से 5 एकड़ पर मुश्तमिल है। स्कूल के अंदर चलते हैं और आपको इसकी पूरी तफसीलात बताते हैं। ये स्कूल 1927 में एक हिंदू मोती राम आर्य ने बनाया था, और इस स्कूल को पहले हाई स्कूल का दर्जा हासिल था, और इस स्कूल में दूर दूर से तालबे इलम जो थे वो पढ़ने आते थे, यानी क्लास वाला से और किला कालर वाला और सेकेंडरी, करीब करीब कोई भी उस वक्त हाई स्कूल नहीं था, और बच्चों की रिहाइश के लिए जो बोर्डिंग हाउस था उसमें बच्चे रहते भी थे। अच्छा, और इसका मतलब है कि यहाँ पे तो पीछे वाली बिल्डिंग देख रहे हैं वो बोर्डिंग स्कूल की बिल्डिंग थी, और लड़के यहाँ पे ही रहते थे। वो बोर्डिंग हाउस था, जब शाम को बच्चे इधर फारग हो जाते थे, कुछ तो इधर ग्राउंड भी है, काफ़ी 1.5 एकड़ रकबे पर मुश्तमल ग्राउंड है जहाँ तलीमी सरगर्मियों के साथ साथ खेलों के प्रोग्राम भी होते थे, और अक्सर बच्चे जो काफ़ी दूर दूर से आते थे वो इधर ही रहते थे, यानी इधर बोर्डिंग हाउस में रात को खाने पीने का भी उनका इधर बंदोबस्त होता था, और टीचर भी इधर साथ रहते थे और उनकी तालीमी सरगर्मियों को जारी रखते थे। ये जो स्कूल है माशाल्लाह से बहुत बड़ा हम देख रहे हैं, इसकी जो अंदर वाली बिल्डिंग है ये भी काफ़ी बढ़िया है, जिसके चारों साइड्स पे क्लासेज हैं और दरमियान में एक बगीचा सा बना हुआ है, और उसके अलावा इसके सामने भी हम देख रहे हैं कि ये अलग से एक ग्राउंड टाइप बनाई गई हुई है। ये कुल रकबा जो है पूरे स्कूल का ये कितना है? स्कूल के जो अंदर अंदर वाकया है ये तकरीबन 1.5 एकड़ है, जिसमें 2-3 ग्राउंड भी शामिल हैं। ये तकरीबन 1.5 एकड़ पर मुश्तमिल है, इसमें कुछ ग्राउंड का हिस्सा है, कुछ आप देख रहे हैं बागीचा है, यानी हर रंग के पौधे लगे हुए हैं, जिनमें फलदार पौधे भी हैं, फूलदार भी हैं और सायादार भी पौधे हैं। का रकबा तो आपने बता दिया तकरीबन 4 से 5 एकड़ है, इसमें क्लासेस की तादाद कितनी है और कितनी क्लासेस जो हैं वो अपनी उसी पुरानी हालत में मौजूद है? इधर पहले तो हाई स्कूल होता था, यानी 10वीं क्लास तक क्लासेज होती थी, लेकिन पार्टीशन के बाद ये प्राइमरी स्कूल रह गई है। जिस तरह मुल्कों पे, कौमों पे, ख़ानदानों पे अरूजो सवाल आते जाते रहते हैं, इसी तरह इस स्कूल पे भी अरूज आ गया। अरूज के बाद जब पार्टीशन हुई वो हिंदू लोग चले गए, तो इसके तरफ इधर इतनी तवज्जो ना दी गई, और ये प्राइमरी स्कूल रह गया, और प्राइमरी स्कूल के बाद अब ये मिडिल स्कूल के तौर पर चल रहा है। ये भी कहा जाता है कि ये जो हिंदुओं की खत्रियों की जो अपर क्लास थी ये उनका स्कूल था, जो अमीर तरीन लोग थे वो स्कूल में जो है वो ज़ेरे तलीम थे, ये बात किस हद तक सच है? ये स्कूल बनाने वाले तो हिंदू जो खत्री थे, यानी हिंदुओं की एक जात है जो खत्री है, वो बनाया तो उन्होंने था, लेकिन इधर तलीम हासिल करने के लिए हर तबका के लोग आते थे, यानी मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, सिख भी थे, अमीर भी थे और गरीब भी थे, सब बच्चे इधर तलीमी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए थे। अगर हम स्कूल के स्ट्रक्चर की बात करें तो माशाल्लाह से हम देख रहे हैं यहाँ पे छोटी छोटी ईंटें लगी हुई हैं, ये कितनी कितनी मोटी जो है, इसकी दीवारें कितनी मोटी हैं, इसका छत जो है वो किस चीज़ से बनाया गया है, और अंदर जो नक्श नगारी वगैरह भी हुई है? ये पुरानी इमारत है काफ़ी, और ये इसकी दीवारें जो है ये 18 इंच मोटी हैं,
और सबसे बड़ी बात जो उनकी मेहनत का मुंह बोलता सबूत है वो ये है कि जितनी दीवारें जितने पिलर वगैरह बनाए गए हैं, जो नक्शोनगार भी आपको नज़र आ रहे हैं, ये वैसे तो पुराने हो गए हैं, लेकिन कोई एक ईंट भी सीमेंट से नहीं लगाई गई। सारी की सारी ईंटें जो हैं ये गारे से ही लगी हुई हैं, और इतनी देर होने के बावजूद भी कोई ईंट भी अभी तक उखड़ी नहीं है, कोई दीवार गिरी नहीं है, कोई छत सिर्फ ख़राब हुई है वो क्योंकि लकड़ी की छत थी, और ये क्योंकि ये सियालकोट का इलाका सलाबी इलाका है और इसमें बारिश की वजह से नमी हो जाना या सलाबों की वजह नमी हो जाने की वजह से छत लकड़ी की थी सारी की सारी, और वो सिर्फ छत ख़राब हुई और उस छत को बदल दिया गया, उसकी जगह ये स्लैब या तैयार छतें जो होती हैं सीमेंट के गार्डर वगैरह या सलाबें वगैरह वो डाल दी गई और वो आज तक कायम हैं। अच्छा ये बताएं कि कौन कौन सी पुरानी निशानी जो है वो उसी वक्त की पार्टीशन से पहले की यहाँ पे मौजूद है। हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ दरख्त भी लगे हुए हैं, वो भी काफ़ी तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं और काफ़ी मोटे मोटे दरख्त हैं। खिड़कियों की बात करें और मेन गेट जो हम देख रहे थे वो भी काफ़ी पुराना लग रहा है। ये कितने कितने पुराने और कौन कौन सी चीज़ अभी तक मौजूद है उसी तरह? इमारत तो सामने आप देख रहे हैं, इमारत तो सारी की सारी 1927 वाली है, अभी तक इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई है सिवाय छत बदलने के। और इस तरह दो आम के दरख्त हैं, ये भी उस वक़्त के पुराने दरख्त हैं, और दो या तीन जामुन के दरख्त हैं, ये भी पुराने हैं। इस तरह जो बैरूनी गेट है, इस स्कूल के दो गेट हैं, जो बैरूनी मेन गेट है वो भी उसी दौर का पुराना, जब स्कूल बना था वो गेट भी उसी वक़्त का है। जो दूसरा पोर्शन अब तमीर हुआ उधर जो गेट है वो अभी तकरीबन 6-7 साल पहले ही लगाया गया है। कि अभी जो इस स्कूल की कंडीशन है वो क्या है, कितनी क्लासेस जो हैं वो डिमोलिश हो चुकी हैं और कितनी क्लासेस जो हैं वो रनिंग में हैं, और क्या कोई नया पोर्शन भी आपने बिल्ड किया, और बच्चे जो हैं यहाँ पर कितनी तादाद में तालीम हासिल कर रहे हैं? 4-5 साल पहले तो तादाद इधर 625-30 तक थी, लेकिन अब क्योंकि सबको पता है कि प्राइवेट स्कूल बहुत ज़्यादा खुल गए इधर गांव चूड़मुंडा में भी, इस वजह से अब जो तादाद है वो तकरीबन 425 है जो इस वक्त मौजूद है। और इधर 12 क्लासेज हैं जो चल रही हैं, यानी हर क्लास के यानी मिडिल हिस्से की 3 क्लासेज हैं, 6ठी, 7वीं और 8वीं। इन तीनों क्लासों के दो दो सेक्शन हैं जो काम कर रहे हैं। तमीराती काम तो आप देख रहे हैं, ये तारीखी हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है और तमाम स्कूलों से मुनफरिद है। इधर कोई भी करीब करीब बल्कि दूर दूर तक भी अगर देख लें तो इस तरह की तारीखी अहमियत की इमारत आपको शायद कहीं भी नहीं मिलेगी। आज तक जिस तरह इमारत कायम दायम है, इसी तरह इसके रोशनदान जो हैं वो भी इस तरह के बनाए गए हैं कि उससे रोशनी तो आती ही आती है, लेकिन हवा भी इस तरह से गुजरती है कि गर्मियों में भी ठंडक का एहसास होता है कि इस तरह बेहतरीन तर्ज तमीर पे इसे तमीर किया गया है। अगर हम इस स्कूल की बात करें वो अब तो माशाल्लाह से इसका बहुत हाई स्टैंडर्ड था 1927 में, लेकिन अब हम देख रहे हैं तकरीबन हसाली का शिकार है। क्या गवर्नमेंट की इस तरफ कोई तवज्जो वगैरह नहीं? अरबाब इख्तियार से ये गुजारिश है, पहले भी कई दफ़ा की गई है, एक तो जो इमारत है चलो नई तमीर नहीं करनी तो इसके लिए कम अज़ कम इसकी तज़ीनो आराइश की जाए, इसके छत जो है वो हमें इसके लिए फ़ंड मुहैया किए जाएँ ताकि ये हमारा सकाफ़ती विरसा भी महफूज रहे, क्योंकि इधर दूर दूर से आप भी लोग विज़िट करने आते हैं, पूरे पंजाब से तकरीबन जहाँ जहाँ भी लोगों को पता चलता है तो इधर विज़िट करने आते हैं। इसके अलावा इंडिया से जो मशरक़ी पंजाब है उधर, क्योंकि ये लोग इधर से गए हुए हैं, बहुत से लोग जो हैं आप भी इधर आते हैं सिख या हिंदू, और वो इस स्कूल को देखते हैं, और जब देखते हैं तो बाद का तो वो कहते हैं हमारा दिल खून के आंसू होता है कि हमने इतनी मेहनत से हमने स्कूल तमीर किया और आज इसकी खस्ता हाली पे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो हम और बाबे इख्तियार से गुजारिश कर सकते हैं कि कम से कम इसकी छतों के लिए फंड दिए जाएँ ताकि तज़ीन और आयश भी हम कर सकें।